वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस चैनल पर मैं बनाती हूँ ट्विन फ्लेम्स रिलेटेड कंटेंट। अगर आपको ऐसा कंटेंट देखना पसंद है तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्विन फ्लेम को या फिर DM को एनर्जी नहीं देनी, इसका मतलब क्या होता है, आपको ऐसा करना ज़रूरी क्यों है और आप ये चीज़ कैसे कर सकते हो। सो चलिए विदाउट एनी डिले इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस जर्नी में न्यू हो या फिर आपको रिसेंटली पता चला है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हो, तो प्लीज़ आप ये पॉडकास्ट जो है एंड तक सुने, क्योंकि अभी तक आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें पता नहीं है और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपका यूनियन जल्द से जल्द कराने में। ओके, सो ट्विन फ्लेम को या फिर जो कोई भी रनर है, यूजुअली DM जो है रनर होते हैं, उनको हमें एनर्जी नहीं देनी है। तो इसका क्या मतलब है? सो गाइस, एक DF को जब पता चल जाता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है और उसके बाद जो है वो काफ़ी अपना इनर वर्क करना स्टार्ट कर देती है, खुद को हील करना स्टार्ट कर देती है, अपने DM को जो है ये बातें बताना स्टार्ट कर देती है, उनके कॉन्टैक्ट में रहने की कोशिश करती है, तो वो जो कोई भी पॉजिटिव एनर्जी अपने आप में लाती है मेडिटेशन के थ्रू, इनर वर्क के थ्रू, वो ये एनर्जी जो है जब अपने DM से बात करती है, उनके टच में रहने की कोशिश करती है, उन्हें वो एनर्जी जो है ट्रांसफ़र हो जाती है उनके DM को। सो फिर DF की एनर्जी जो है, जो उसके रियूनियन के काम आएगी, वो उसके DM की तरफ चली जाती है। इसका मतलब है कि उसे दोबारा से वो एनर्जी जो है बिल्डअप करनी पड़ती है अपने इनर वर्क से, अपने हार्ड वर्क से। ओके, तो इसका मतलब है कि आपको उन्हें एनर्जी नहीं देनी है। और उसके साथ ही साथ गाइस, जब आप उनसे बात करते हो अच्छे से, जब आप उन्हें खुद से कॉल टेक्स्ट करते हो, तो फिर वो ये चीज़ें जो है इग्नोर करने लग जाते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, आपके कॉल और टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं करते, आपसे दूर भागने की कोशिश करते हैं, कभी कभी आपको ब्लॉक भी कर देते हैं। तो इसी तरीके से भी आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके DM की तरफ चली जाती है और फिर आप निगेटिव एनर्जी में आने लग जाते हो। आप सोचते हो कि मैं इस पर्सन को जो है इतनी वैल्यू दे रही हूँ, इतना टाइम दे रही हूँ, लेकिन ये पर्सन मुझे इग्नोर कर रहा है। मैं हमेशा खुद का ईगो दबा के उन्हें कॉल मैसेज कर रही हूँ, लेकिन ये पर्सन जो है मुझे इग्नोर करे जा रहा है। तो आपको ऐसी चीज़ें जो है बिल्कुल नहीं करनी है। इससे आपके DM जो है आपकी एनर्जी लेंगे, आप निगेटिव इमोशन में आ जाओगे, सैड हो जाओगे और आपको फिर से आपकी पॉजिटिव एनर्जी जो है बढ़ानी पड़ेगी। तो इस तरह से भी आपके DM जो है आपसे एनर्जी लेते हैं। क्यों नहीं देनी है एनर्जी, अब ये हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस, आप जब अपने DM को या फिर रनर को एनर्जी दे देते हो, तो फिर उसके बाद आपके DM जो है वो थर्ड पार्टी में चले जाते हैं, उनके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, या फिर जो कोई भी लोग उनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, उन्हें परेशान कर रहे हैं, वो ऐसे लोगों को भी जो है अच्छे से हैंडल करने लग जाते हैं, है ना। यानी कि वो वहाँ से ट्रिगर नहीं होते, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी आपकी पॉजिटिव एनर्जी होती है और थर्ड पार्टीज़ जो होती है, कार्मिक्स जो होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा निगेटिविटी उन्हें देती है, लेकिन वो अपने आप को आपकी पॉजिटिव एनर्जी जो उन्होंने ली होती है उससे बैलेंस कर लेते हैं और वो सोचते हैं कि चलो मैं ये भी हैंडल कर लूँगा, चलो मैं ये भी चीज़ जो है मैनेज कर लूँगा, और इसकी वजह से जो है वो उनका टाइम जो है थर्ड पार्टी के साथ रहने का वो बढ़ जाता है और आपका रियूनियन का टाइम है वो भी बढ़ जाता है। तो ये दोनों भी चीज़ें हो जाती हैं, आपका रियूनियन फिर जल्दी नहीं हो पाता। ओके, ये डिस्कस करेंगे कि आपको एनर्जी नहीं देनी तो फिर आप ये कैसे कर सकते हैं। ओके, सो जब आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर बीच में कोई आपके थर्ड पार्टी आ रही है आप दोनों के, और आपके DM जो है आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर आपको जितनी वैल्यू अटेंशन उन्होंने बबल फेज में देना था वो आपको देते नहीं हैं, तो फिर इस वक्त जो है आपको आपके DM से टोटली कट ऑफ करना है। कट ऑफ यानी कि ऐसा नहीं कि आप उन्हें ब्लॉक ही कर दो, आप उनसे बस इमोशनली कट ऑफ कर लो। आप खुद पर फोकस करो, खुद पर ध्यान दो, खुद का इनर वर्क जो है उसका अच्छे से शेड्यूल बनाओ और उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दो, ना कि आपके DM के बारे में सोचने में, ना कि थर्ड पार्टी के बारे में सोचने में। तो फिर इससे क्या होगा कि DM का जो है आपके तरफ फोकस ज़्यादा आने लगेगा। जितना आप खुद पे ध्यान दोगे, DM आप पे फोकस करेंगे, क्योंकि वो आपको जो है मिरर करेंगे,
सो आपको ये चीज़ करनी है। उसके बाद आप जो बार बार उन्हें कॉल करते हो, उन्हें कहते हो कि आप मेरे साथ रहो, या फिर आप उन्हें प्रपोज़ करते हो, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको इस तरह से भी आपकी एनर्जी जो है आपके DM के पास चली जाती है, तो फिर ये चीज़ें भी छोड़ दीजिए। उन्हें बार बार कॉन्टैक्ट करना, उनके कॉन्टैक्ट में रहने की कोशिश करना, या फिर उन्हें बार बार मिलने के लिए बुलाना, या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में उन्हें समझाने की कोशिश करना, या फिर उनसे हिंट देने की कोशिश करना कि हमारे बीच में कुछ स्पेशल है वगैरह, तो ये भी चीज़ें आपको टोटली जो है कट ऑफ करनी है। बिल्कुल भी यहाँ पर एनर्जी नहीं देनी। उसके साथ ही साथ गाइस, DM थर्ड पार्टी से ट्रिगर होकर जब आपके पास आते हैं, तब कभी कभी वो जो है मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक्चुअली जर्नी के, अगर आप काफ़ी स्टार्टिंग के फेजेस में हो, तो वो आपसे फिजिकली इंटीमेट होने की बात करते हैं, या फिर फ़ोन पर वो जो है सेक्सटिंग करने की वगैरह बात करते हैं, या फिर फ़ोन कॉल पर सेक्स करने की बात करते हैं। तो फिर ये चीज़ें भी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। DM को इसके लिए आपको साफ साफ मना करना है। कभी कभी हो सकता है वो आपके पिक्स मांगे, तो ये भी आपको उन्हें नहीं देने हैं, ठीक है गाइस। तो इससे क्या होता है कि इससे भी आपकी एनर्जी उनके तरफ चली जाती है, और फिर वो आपसे पॉजिटिव एनर्जी लेकर जो है थर्ड पार्टी को और भी ज़्यादा टाइम के लिए बर्दाश्त कर पाते हैं, ठीक है। क्योंकि थर्ड पार्टी तो उन्हें डेफिनेटली अंधेरा ही अंधेरा देती है, लेकिन आपसे जो वो रोशनी लेकर जाता है वहाँ पर वो यूज़ कर लेते हैं, और उन्हें लगता है कि हाँ चलो मैं ये भी सिचुएशन हैंडल कर लूँगा, मैं इसके साथ भी डील कर लूँगा अच्छे से, और फिर वो हो सकता है थर्ड पार्टी में और ज़्यादा टाइम रहे, या फिर उनकी कहीं और एंगेजमेंट हो जाए, मैरिज हो जाए, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर होती हैं। इसके लिए आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको बहुत ही ज़्यादा बैलेंस रहना, उनसे काफ़ी कट ऑफ रहना, उन्हें बहुत ज़्यादा इमोशनली उनके साथ इन्वॉल्व ना होना, अपने आप पर फोकस करना जो है बहुत ज़रूरी होता है। सो गाइज, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हो। सो चलिए गाइज, इसी के साथ मैं पॉडकास्ट को एंड करती हूँ। बाय बाय।